कश्मीर से क्या लेंगे। खड़गे साहब, आपको मालूम नहीं है बिहार का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। जान भाई और बहनों, ये धारा 370 को लालू और कांग्रेस पार्टी 70 साल से बचाकर बैठी थी। 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का। मोदी जी ने नक्सलवाद को समाप्त किया, आतंकवाद पर नकेल कसी। कांग्रेस की सरकार थी, आए दिन आतंकवादी घुसते थे, बम धमाके करते थे, कोई कुछ नहीं बोलता। मोदी जी की सरकार आई, उरी और पुलवामा में हमला किया। उरी और पुलवामा के हमले के बाद 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी ने इस देश में से परिवारवाद को नाबूद किया। मोदी जी ने जातिवाद और तुष्टिकरण को भी समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और मोदी जी ने हर एक व्यक्ति का विकास करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इतने सालों से एक कांग्रेस पार्टी और इनके साथी लालू जी कहते थे गरीबी हटाओ, मगर गरीबी नहीं हटती थी। एक 10 ही साल में मोदी जी ने 80 करोड़ से ज्यादा देश की जनता को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाने का काम किया। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर देने का काम किया। 10 करोड़ से ज्यादा माताओं को उज्ज्वला का गैस का कनेक्शन देने का काम किया और 14 करोड़ से ज्यादा गरीबों को नरेंद्र मोदी जी ने नल से जल देने का काम किया। ये 10 साल के अंदर मोदी जी ने गरीबों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का काम किया। भाई और बहनों, आज लालू जी और कांग्रेस पार्टी एक होकर हमारी पार्टी और जदयू नीतीश जी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। आप लोगों को लालू राबड़ी का शासन याद है या नहीं है? भाई याद है ना, बिहार को जंगल राज में बदलकर इस लालू प्रसाद यादव ने रख दिया। गरीब, पिछड़ा, दलित, ओबीसी सब पर अत्याचार होते थे। जब से एनडीए की सरकार आई, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सबके साथ अत्याचार होना